फाइनली कॉर्डिनेट्स ने लॉगन पॉल को हराकर अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है। कॉर्डिनेट्स जैसा बोले थे वैसा करके भी दिखाया और लॉगन पॉल को लिटरली काफी ज्यादा सबक सिखाया इस मैच के अंदर। जैसा कि किंग ऑफ द रिंग के मेन इवेंट में अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए कॉर्डिनेट्स वर्सेस लॉगन पॉल के बीच मैच देखने को मिला, और गाइस लिटरली आप बिलीव नहीं करोगे इन दोनों के बीच उतना इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिला नहीं। फैंस ये भी एक्सपेक्ट कर रही थी कि कोई ना कोई सुपरस्टार की एंट्रेंस जरूर देखने को मिलने वाली है इस इवेंट में, बट गाइस सीरियसली ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिला नहीं। जो लोग नहीं देखे होंगे उनको बता दे रही हूँ, लिटरली कल मैं 1 बजे रात तक ये मैच बैठ के देख रही थी, बट पता नहीं कब मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। वैसे गाइस लॉगन पॉल जो बोलते वो करते नहीं, लाइक उनके वर्ड्स की कोई वैल्यू ही नहीं है। वो माइकल कॉल को क्लियर बोले थे कि मैं ब्रास नकल्स का यूज नहीं करने वाला हूँ कॉर्डिनेट्स के ऊपर, बट वो मैच के टाइम यूज करते हुए दिखाई दिए ब्रास नकल्स, और स्टार्टिंग से ही लॉगन पॉल कॉर्डिनेट्स को काफी ज्यादा पुश कर रहे थे। बट गाइस आप कॉर्डिनेट्स को जानते ही, थोड़ा वो वेट किए उसके बाद वो अपना मूव्स लगाना स्टार्ट कर दिए। वैसे गाइस इस वीडियो को मैं ज्यादा स्ट्रेच नहीं करने वाली हूँ, मैं आपको लास्ट का एंडिंग बस बता दे रही हूँ। लास्ट में लॉगन पॉल कॉर्डिनेट्स को लो ब्लो लगाने वाले थे, इनफेक्ट इतना ही नहीं वो ब्रास नकल्स से कॉर्डिनेट्स पे अटैक करने वाले थे, लेकिन एंड टाइम में कॉर्डिनेट्स वहाँ पे अपना फिनिशिंग मूव क्रॉसरोड लगा दिया और पिन करते हुए मैच जीत लिए कॉर्डिनेट्स। वैसे गाइस एक बात तो है, जब भी मैच होता है उसका रिजल्ट पहले ही पता रहता है तो उतना इंटरेस्ट नहीं आता मैच देखने में। जैसा कि सबको ही पता था कि कॉर्डिनेट्स अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करने वाले थे, जब कोई सस्पेंस रहता है तो लिटरली मजा आता है देखने में, बट पहले ही आउट हो जाता है रिजल्ट की कौन विनर होने वाला है। वैसे बस मैं आपको एक समराइज वे में बोल दे रही हूँ कि किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में क्या क्या देखने को मिला स्टार्टिंग से ही। तो सबसे पहले लीव मॉर्गन और बैकी लिंच के बीच मैच देखने को मिला, और इस मैच में पूरा हेल्प करते हुए दिखाई दिए डोमिनिक मिस्टीरियो, बट ये काफी मिस्ट्री रहा कि दोनों में से किसकी हेल्प करना चाह रहे थे डोमिनिक मिस्टीरियो, बट लास्ट में एंडिंग में लीव मॉर्गन बैकी लिंच को हराते हुए अपनी वुमेन्स चैंपियनशिप को जीत ली। वैसे गाइस लीव मॉर्गन को देखने के बाद डोमिनिक मिस्टीरियो एकदम भी खुश नहीं थे, इनफैक्ट वो अपसेट दिखाई दे रहे थे। वैसे फिर उसके बाद एक और मैच देखने को मिला था मेंस डिवीजन में, सैमी शेन वर्सेस ब्रोशन रीड वर्सेस चैड गैम्बल के बीच ट्रिपल सेट मैच देखने को मिला था, और इस मैच में सैमी शेन जीत जाते हैं ब्रोशन रीड और चैड गैम्बल को हराकर। और फाइनली इस मैच के बाद सैमी शेन अपनी आईसीसी चैंपियनशिप को रिटेन करते हुए भी दिखाई दिया और लिटरली वो काफी ज्यादा खुश भी थे। देन उसके बाद एक वुमेन्स डिवीजन का मैच देखने को मिला था क्वीन ऑफ द रिंग का, और इस मैच में नाया जेक्स वर्सेस लायरा वाल्गेरिया के बीच मैच हुआ था। मुझे मेंस से अच्छा तो वुमेन्स डिवीजन का मैच लगा था, लिटरली ये मैच काफी इंटरेस्टिंग हुआ। लाइक जिस तरह से नाया जेक्स लायरा वाल्गेरिया के ऊपर बैठ गई थी ऐसा लगा था कि लायरा मरने वाली है। वैसे एंडिंग में नाया जेक्स अपने हेवेट की वजह से लायरा वाल्गेरिया को हरा कर मैच जीत गई और क्वीन भी बन गई। देन उसके बाद रैंडी ऑर्टन वर्सेस गुंथर का मैच हुआ था किंग ऑफ द रिंग के लिए, और इस मैच में गुंथर ने रैंडी ऑर्टन को हरा दिया और किंग बन गए। वैसे गाइस आपको इस बार के किंग ऑफ द रिंग में कौन सा मैच बेस्ट लगा था कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।